मेरा सवाल इससे थोड़ा हटके था आ, अभी अभी जो खबर आई है आ, आपका किरदार बहुत आइकॉनिक था हेरा फेरी में राजू और घनश्याम की जो, जो जोड़ी थी लेकिन अब खबर आई है कि अक्षय कुमार उसमें नहीं है और आप डिसअपॉइंटेड हैं कुछ बताएंगे इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे देखिए मैं धारावी में इतना बिजी रहा हूँ कि क्या हेरा फेरी हुई है हेरा फेरी में मुझे पता ही नहीं तो ये हेरा फेरी जानने के लिए मुझे दोबारा हेरा फेरी के प्रोड्यूसर के बाद जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि अक्षय और आपके बीच में क्या हेरा फेरी हुई <laughs> तो ये हेरा फेरी के चक्कर में नहीं पता नहीं मुझे जेन्य नहीं पता और 20 तारीख के बाद जाऊंगा बैठूंगा और समझूंगा और जानूंगा कि क्या हेरा फेरी हुई है तो आप चाहेंगे कि ओरिजिनल कास्ट ही हो इस फिल्म में मैं चाहूंगा कि हेरा फेरी नहीं हो लेकिन हेरा फेरी बने जरूर थैंक हाय क्या कमाल के शब्दों की प्राप्त हुई है शादमा दिस साइड फ्रॉम होम बॉलीवुड सुनील सर मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि यू नो थलाइवा की जब हम बात करते हैं तो एक नाम जो हमारे जहन में आता है वो है रजनीकांत uh, सर का वेल well, उनको शाहरुख ने भी ग्लोरीफाई किया है एज़ uh, you know, थलाइवा अब uh, जब आप इस फिल्म में थलाइवा का किरदार निभा रहे हैं तो आपको भी एज अ थवा हम जानेंगे वेल आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट योर इक्वेशन विद द ओरिजिनल थलाइवा एंड क्या आप यू you नो know, ये थलाइवा उस थेवा के साथ काम करना चाहेंगे इन फ्यूचर जी सॉरी द लास्ट बिट आपको भी थलाइवा के यू नो एज अ थलाइवा जाना जाएगा सो आई वॉन्ट टू नो अबाउट द इक्वे विद रजनीकांत सर एंड क्या हम ये दोनों थलाइवा को एक साथ ऑन स्क्रीन देख पाएंगे कभी मेरी जिंदगी की ये एक यू नो देश आई दैट इफ देर वन पर्सन आई वॉन्ट टू वर्क विद बिफोर माई दाई करियर इट वॉज इन थलाईवन दैट इज रजनी सर यू नो रजनी सर के साथ मैं काम कर चुका हूँ दोबारा मौका मिलेगा तो कभी ना नहीं कहूँगा लेकिन वो ओरिजिनल ने ये फ्रॉम अ वेब सीरीज़ परस्पेक्टिव ओ टी टी के पॉइंट ऑफ व्यू के थलाइवा है बिकॉज आई थिंक लोग आज भी अन्ना ही बुलाते मुझे और मैं मैं खुश हूँ अन्ना क्योंकि अन्ना के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है बड़े <laughs> भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या तो जगत के uh, वो थलायवा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन uh, Uh, थलाईबा वही रहेंगे एंड दैट्स वॉट आई वुड विश